सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, वापस से आ चुका हूं आपके लिए मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके। जो लेवल्स, जो एनालिसिस, आपका पूरा मार्केट में परफेक्शन के साथ फंक्शन हो रहा है उसको लेके वापस से आ जा गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो मेक श्योर करिएगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लेवल्स एंड एवरीथिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक करने को दबाना बिल्कुल ही भूलिएगा मत, एंड फुल बूम बाम अपना आज के दिन की स्टार्ट करते हुए दिख जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं गाइस कल के मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स। कल जैसा आपको अच्छे से शेयर करा गया था सभी लोगों को कि अगर मार्केट इस लेवल को खुलते दिन नहीं तोड़ेगा और मेरे लिए गैप डाउन सबसे ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, और गैप डाउन खुलने के बाद 250-50 के लेवल को तोड़ेगा, ये लेवल आपके लिए शेयर था, तो यहां पे मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट हैं। वो ब्रीच करेगा मार्केट तो मार्केट डाउन साइड भागता हुआ दिखेगा। बस इसी को बात मानते हुए हम लोग के इंटेलिजेंट ट्रेडर्स ने प्लस हम लोग ने सब ने मार्केट को खुलते देर नहीं शॉर्ट करा, एंड उसके बाद पूरा प्रॉफिट अपना डाउन साइड में निकालते हुए दिखे। हर बाई पे सेल करते रहे और फिर ऊपर के लेवल पे गया, रेजिस्टेंस लिया तो फिर सेटल करे, मतलब बहुत सारे ट्रेड्स में शॉर्ट साइड में पूरा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करा गया। रेजिस्टेंस लेवल पे हर जगह सेलिंग करी गई और जो आपको और लेवल्स दिए गए थे उन सब लेवल्स पे आपका सेलिंग एंड बाइंग का सिनेरियो बनाने की कोशिश करा गया था। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप अच्छे से, अगर आप आज स्ट्रीम पे प्रेजेंट होते तो आपको आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद मार्केट में अमेजिंग बात क्या हुआ कि आज सेकंड हाफ में मार्केट ने डब्ल्यू बना के उसके बाद बहुत तेजी से रिकवरी दिखाया, ठीक है? 3 PM को लेके बहुत ही फास्ट रिकवरी दिखाया, जहां पे रिलायंस में आपका बड़ी बड़ी सेलिंग आ रही थी, बट यहां पे आपका मार्केट बैंकिंग सेक्टर में बहुत तगड़ी रिकवरी दिखाया, एक तरीके से 50% के प्लस जाके बहुत ठीक ठाक क्लोजिंग कर दिया, डिसेंट क्लोजिंग कर दिया, ठीक है? तो इट वॉज अ वेरी गुड डे, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं गाइस, ठीक है, कि आप लोगों का कैसा रहा सिनेरियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा, एंड अभी तक अगर लाइक को नहीं दबा के रखा है तो दबा दीजिएगा, मेक श्योर करिएगा, उसको भूलिएगा मत बिल्कुल भी, एंड फुल पोटेंशियल के साथ अपना एंजॉय करते हुए दिखिएगा। ओके, प्लस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रीमियम मेंबरशिप की महाक्लास का आपका लास्ट ऑफर चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका कूपन कोड लगा हुआ है लास्ट ऑफर, जिससे आप 40% ऑफ पा सकते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, उसको परचेस कर लीजिएगा। उसको इस ट्रेंडिंग मार्केट सप्लाई डिमांड जोन की बेस्ट क्लास है, आप ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ने के बाद आप खुद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। प्लस प्रीमियम मेंबर्स और जितने लोगों ने भी परचेस करा है, जो लोग भी अभी तक पढ़ चुके हैं, वो लोग बार भी एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैसी थी क्लास, आपको मजा ही आ जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट अपने नॉलेज के ऊपर आप करना चाहो तो कर सकते हो, प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग तो हम लोग बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं। ओके, तो चलते गाइस अब नेक्स्ट सेक्टर पे, जो होता हुआ दिखेगा आपका टुमारो मार्केट एनालिसिस। आज बिजनेस न्यूज को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आज कल की मार्केट का डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आपका एक्सपायरी का दिन है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से मोमेंटम एंड एवरीथिंग देगी, तो उसका डिस्कशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चलते गाइस वन डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? वन डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि मार्केट में आपका यहाँ पे एक नेगेटिविटी की कैंडलस्टिक का प्रेशर बना है, ठीक है? बट वो कैंडलस्टिक को भी अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो नेगेटिव आने के बाद बहुत अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर चुकी है, ठीक है? अगर लोएस्ट पॉइंट से आप देखोगे तो लगभग लगभग आपका 300 पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट आता हुआ दिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत ही बड़ा रिट्रेसमेंट बैंकिंग सेक्टर के लिए माना जाएगा, ठीक है? प्लस इसके साथ साथ निफ्टी में भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे भी लगभग लगभग आपका कितना पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट आ चुका है, लगभग आपका आपका 50-60 पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट आ चुका है, ठीक है? तो इस रीजन की वजह से देखो, अगर ये कैंडलस्टिक ऐसी नहीं बनती तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं आज की एनालिसिस बहुत इजी हो जाती, बट ये कैंडलस्टिक ऐसी बन गई है इसलिए अब एनालिसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी, इसलिए मैंने न्यूज वाले सेक्टर को हटाया है, ठीक है? अब देखो गाइस हो क्या रहा है, मार्केट अपने हाईज के आसपास पहुंच चुका है अभी बैंकिंग सेक्टर, वहां से मार्केट ने वापस रिट्रेसमेंट लेके इस जोन के अंदर आने की कोशिश करा आज। कौन से जोन के अंदर? जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट करा था, इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये देखो, ये जोन आपका था, इसको ध्यान दीजिएगा। अब बहुत लोग इसको रीटेस्ट की तरह मान रहे हैं कि रीटेस्ट करके कल के दिन में अगर बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक बना देता है तो वो एक अच्छा पैटर्न बनेगा। मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम पे भी लोगों को बताया था कि अगर ऐसा कुछ ग्रीन कैंडलस्टिक बना देता है तो वो एक अच्छा बुलिश पैटर्न माना जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से रीटेस्ट, सबके स्टॉप लॉस हंटिंग डन, क्योंकि जो भी बायर्स थे उन सबके स्टॉप लॉस अब यहां पे प्रेजेंट थे, स्टॉप लॉस हंटिंग डन, एंड देन उसके बाद वापस से मार्केट बुलिश, ये भी सिनेरियो बन सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बट आपके कुछ इवेंट्स एंड एवरीथिंग आने वाले हैं, उसके ऊपर भी मार्केट का डिपेंडेंसी रहेगी। जैसे फेड में इवेंट में आपका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लोगों की लग रही है कि वापस से आपका रेट इंक्रीज एंड एवरीथिंग होने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो वो चीज एक तरीके से मार्केट के लिए खराब सिग्नल मानी जाएगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो एक नेगेटिव बात मार्केट के लिए मानी जाएगी, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आप लोग देखिएगा 13 जून को, और आपका 13 जून को ही इन्फ्लेशन रेट एंड एवरीथिंग वापस से आने वाला है, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आपका मार्केट को नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी के साथ अफेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को समझने की कोशिश करना है, अभी तक का जो प्राइजेक्शन है वो हल्का से पॉजिटिव ही का है, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने रिकवरी करी वो एक थोड़ा से अच्छी बात मानी जाएगी मार्केट के हिसाब से, ठीक है? अब हम लोग चलते 15 टाइम फ्रेम पे सारे चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके,
और आज के दिन में हम लोग बहुत सारे ट्रेड्स करेंगे गाइस, हर लेवल पे शॉर्ट करके स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट निकाले, बहुत परफेक्शन के साथ आज का दिन गया था। आप लोग बताइएगा जरूर कैसा था आज का दिन, ओके इसको ध्यान दीजिएगा। सुबह से एक रुपए के भी कॉल्स नहीं खरीदे थे, ज्यादातर प्रॉफिट सारा का सारा पुट्स में बनाए थे एंड डाउन साइड में अच्छा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करे थे, ओके। तो गाइज अब हम लोग चलते हैं अपने सारे लेवल्स को ओपन कर लेते हैं, अब हम लोग को क्या क्या फंक्शन करते हुए दिखना है। तो आपकी फाइनल क्लोजिंग ऐसी कुछ मार्केट ने करा है, तो अब आप सारे लेवल्स को सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आता हुआ देखिएगा सबसे ऊपर का 44,518, देन उसके बाद आपका लेवल आएगा 44,378, फिर उसके बाद लेवल आएगा 44,274, फिर उसके बाद आपका लेवल आएगा 44,134, फिर उसके बाद आपका लेवल आएगा 44,054, ठीक है, एंड देन उसके बाद नीचे का लेवल आएगा 43,940 एंड लास्ट लेवल आपका 43,816। अब आप बोलोगे सर इतने लेवल्स का मतलब क्या है? आपको कुछ नहीं करना, अपना चार्ट पूरा क्लीन करना है, इन सब लेवल्स को मार्क कर लेना है, कल देखना इन सब लेवल्स पे ही मार्केट रुकेगा, प्रॉफिट बुकिंग शो करेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, सब कुछ करता हुआ दिखेगा, आप इसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो इसलिए आपको लेवल्स बताए जाते हैं। अब आपको फंक्शन कैसे करना है उसको भी ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, ताकि आप उसके हिसाब से फंक्शन करिए एंड उसमें प्रॉफिट बनाने की कोशिश करिए। तो अगर के लिए अभी के लिए आप ऑब्जर्व करोगे गाइस, ठीक है, अगर आप देखोगे अगर मार्केट गाइस आपका कल के दिन में गैप अप खुल जाता है, कल के दिन में अगर मार्केट आपका गैप अप खुलता हुआ दिखता है तो आपको मैं कहूंगा जब तक मार्केट आपका 250 रेजिस्टेंस लेवल है बट ट्रैपिंग के लिए हल्का से ऊपर जा सकता है, तो 270 के लेवल के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन ना करे, जब तक आपका मार्केट उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक आपको बहुत ज्यादा बाई साइड के ट्रेड्स को नहीं इनिशिएट करना। क्या चीज? 270 के लेवल को मार्क करके रख लीजिए, जब तक मार्केट उसके ऊपर नहीं जाके सस्टेन करे अगर गैप अप खुलने के बाद, तब तक आपको बहुत ज्यादा बाइंग साइड के ट्रेड्स को इनिशिएट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट आपका साइडवेज खुलता है तो मेरा सिंपल से बहुत प्यारा से कहना यही है कि आप देखिए ये लेवल को मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूं, ठीक है। तो आपको सिंपल से कहना यही है, अगर मार्केट साइडवेज खुल जाता है तो एक बार के लिए मार्केट ठंडा होकर हल्का फुल्का एक बार के लिए 44,060 के लेवल पे आने की कोशिश करेगा, 50-60 के लेवल पे। तो मार्केट को आने दीजिएगा, पहले हल्का सा सेल ऑफ, फिर मार्केट को ऑब्जर्व करेगा। अगर 44,000 पे पुट साइड का ओआई इंक्रीज करता है एंड उसके बाद इंट्राडे का ओआई, अब ये कैसे आप चेक कर सकते हो? आप अपने सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हो जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे आप जाओगे सुबह के टाइम पे निफ्टी को ऐसे क्लिक करोगे, यहां पे आपको दिख जाएगा ये नए बार्स क्रिएट हो जाएंगे और यहां पे आपको सुबह सुबह दिख जाएगा अगर पुट साइड की ये ग्रीन कैंडलस्टिक बड़ी बन जाती है और रेड कैंडलस्टिक छोटी बन जाती है 44,000 पे बैंक निफ्टी के, यहां पे बैंक निफ्टी वीकली पे क्लिक करके, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट वहां पे थोड़ी देर स्टेबलाइज करके ऊपर जा सकता है। तो अगर मार्केट आपका साइडवेज खुलता है आप देखिएगा मार्केट थोड़ा सा एक बार इस लेवल पे आएगा, फिर यहां पे साइडवेज होने के बाद अगर इसको डाउन साइड का ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे 43,960 तक के लेवल के लिए। अगर यहीं से अप साइड जाने की कोशिश करता है तो फिर से हम लोग कौन कौन से टारगेट ऊपर के साइड लेने की कोशिश करेंगे, पहला टारगेट आपका 44,140 एंड उसके बाद दूसरा टारगेट आपका 44,325, ठीक है 35, ये दो टारगेट को लेने की कोशिश करेंगे। इन द केस मार्केट गैप डाउन खुल जाता है एंड गैप डाउन जो है 44,080 या उससे नीचे खुल जाता है, 44,080 या उससे नीचे खुल जाता है 44,000 तक में, तो आपको मेरा यही कहना है कि पहले थोड़ी देर तक वेट करना, क्योंकि आप एक बार ऑब्जर्व करना कि ये जो बायर्स जो यहां पे प्रेजेंट है इनके मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहां पे है एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहीं कहीं लगे हुए हैं, ठीक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहीं के लगे हुए हैं। तो अगर आपका मार्केट यहीं कहीं खुलता है तो बस वही ऑब्जर्व करना 44,000 वाले लोगों को, अगर वो लोग सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो यहां पे मार्केट रुक सकता है, नहीं तो अगर एग्रेसिवली 44,000 को तोड़ेगा तो आप यहां पे शॉर्ट करना, पहला टारगेट 43,960 एंड दूसरा टारगेट आपका डाउन साइड का 43,850, तो ये दो टारगेट के लिए डाउन साइड के लेने की कोशिश करना, ठीक है। तो आप इस हिसाब से करिएगा तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। बाइंग साइड का आपको बता दिया, गैप अप खुलने के बाद बता दिया, साइडवेज खुलने का एंड डाउन साइड खुलने का, तीनों का आपको लेवल्स एंड एवरीथिंग शेयर कर दिया गया है। अब चलते हैं निफ्टी में, निफ्टी में भी जल्दी से देख लेते गाइस। निफ्टी में भी अब आपके सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए मार्क कर दिए गए हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा 18,646, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा 18,585, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा 18,560, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा 18,513, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल आपका 18,488, फिर उसके बाद 18,450 और उसके बाद 18,425। ये सारे के सारे आपके लेवल्स आपके साथ शेयर्ड हैं, ठीक है इसको मार्क कर लीजिएगा पूरा क्लीन करके अपनी स्क्रीन पे, देखिएगा कल के दिन में फंक्शनल होंगे। अब आपका मार्केट इसमें क्या कर सकता है, इसमें देखो गाइस अगर मार्केट इस जोन के बीच में ही खुलता है
521 से लेके 560-70 तक के जोन के बीच में खुलता है। तो मार्केट यहां पे आपका अपर हायर अपर लेवल पे सेलिंग दिखाएगा, लोअर लेवल पे बाइंग दिखाएगा, ऐसा कुछ सिनेरियो बना सकता है। लोअर लेवल आपका कहां से कहां तक होगा, 510 से लेके 515-20 तक का होता हुआ दिखेगा। इस लेवल पे बाइंग आएगी बार बार, और ऊपर का लेवल कौन सा होगा, 570 से लेके 590 तक का, इन लेवल्स पे हर बार सेलिंग आती हुई दिखेगी। मार्केट इसी जोन में प्ले करने की कोशिश करेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके दूसरी बात, अगर मार्केट इसके ऊपर खुल जाता है 570-580 के ऊपर जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही मार्केट आपका 590 के लेवल को पार करेगा या 585 के लेवल को पार करेगा तो आपको लॉन्ग करना है, 600 तक का टारगेट लेना है, एंड 600 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको 627 देन उसके बाद 646 तक का टारगेट लेने की कोशिश करना है, ठीक है। और अगर मार्केट इसके नीचे खुल जाता है, गैप डाउन 500 के नीचे गैप डाउन खुल जाता है, तो आपको समझना है कहां तक का पहला टारगेट सेलिंग साइड में लेना है, 488 तक का, क्योंकि बायर्स यहां पे प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद उसको ब्रेक करा तो एग्रेसिव सेल ऑफ 18455 तक का लेवल आपका आता हुआ दिख जाएगा। बहुत इजी एंड लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको हर चीज समझा दी है, होप करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपनिंग एंड एवरीथिंग हमारे लिंक के थ्रू नहीं करा है तो मेक श्योर करिएगा डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अकाउंट ओपनिंग में लग जाएगा, ताकि आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप में जुड़ते हुए दिख जाइए, जहां पे अमेजिंग अमेजिंग एनालिसिस एंड लेवल्स आपके साथ शेयर करे जा रहे हैं। प्लस उसके साथ साथ जिनको भी कोर्स एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, इसी व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेज दीजिएगा कोर्स डिटेल्स, आपको यहां पे भी मिल जाएगा सारा का सारा। 3800 रुपीज का बेसिक से लेकर एडवांस तक का कॉम्बो का हमारा स्टडी मटेरियल, इसको ध्यान दीजिएगा। प्लस प्रीमियम मेंबरशिप की महाक्लास को ले लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, उससे आप पढ़ के टेस्ट भी कर सकते हो किस लेवल का हम लोग आपको पढ़ाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर करिएगा इसको जितना हो सके पॉसिबल शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आप लोग से कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके।